रंगा बिला के गुंडे, फूट डालो राज करो की नीति संघी भाजपाइयों को अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जनता को जनता से लड़ाने भिड़ाने की ट्रेनिंग इन संघियों को इनके वो बाप दादा दे गए हैं जो अंग्रेजों के जूते चाटने के एवज में पेंशन पाया करते थे। यही है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। पहचानिए इन दंगाइयों के चरित्र को, अन्यथा यही हाल रहा तो एक दिन भारत का जलना तय है। सजी और पथराव करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं होती। उनकी भाषा वही होती है जो गोदी मीडिया की होती है, उन नेताओं की होती है जो किसानों को आतंकवादी बोल रहे होते हैं। इनकी मजबूरी है कि ये अपनी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आ सकते, मगर कई बार दिखाई पड़ जाता है। लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ लेते हैं, लोग पता कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने भाड़े के टट्टू दीप सिद्धू को लाल किले में माहौल खराब करके किसानों को बदनाम करने भेजा। वहां पोल खुल गई तो गाजीपुर बॉर्डर को निशाना बनाने का प्लान बना, पर किसानों की बढ़ती तादाद के आगे ये दुम दबाकर भाग गए। अब सिंगू बॉर्डर पर किसानों पर हमले की साजिश थे, इनका घिनौना चेहरा सामने आ गया है। वो लड़के हैं जो दिल्ली के बवाना नरेला गांव के जो आए हैं, पुलिस हमारे सामने बिल्कुल खड़ी हुई है और ये लोग इस वक्त भी यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं। सिंगू बॉर्डर वाले आतंकी हमले में भाजपा नेता अमन डबास के साथ थे कट्टर संगठनों के छटे हुए गुंडे। शर्म करो मोदी, जरूरत हमारे देश पर कब्जा करके बैठे चीन से लड़ने की और तुम किसान से लड़ रहे हो। लानत है मोदी, और कितनी बेशर्मी करोगे, सत्ता के लालच में और कितना गिरोगे।